क्रिकेट की दुनिया को मिल चुका है T20 का नया सम्राट, और ये नया सम्राट इंग्लैंड है जो पहले ही 50 ओवर फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन है। तो ऐतिहासिक माना जाएगा इस जीत को जो पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में इंग्लिश साइड ने रजिस्टर की है। बेन स्टोक्स, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम, वो चैंपियन वाला जो तेवर होता है, वो जो अंदाज होता है चैंपियन वाला बेन स्टोक्स का, वो आज देखने को मिला। 2016 से 2022 तक बेन स्टोक्स ने लंबा सफर तय किया है, चाहे वो 50 ओवर फॉर्मेट हो या फिर T20 क्रिकेट हो, अपने आप में काबिले तारीफ। हर कोई इस वक्त, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान और जीत के बीच अगर कोई एक खिलाड़ी यहाँ खड़ा हुआ, जाहिर तौर पर इंग्लिश बॉलिंग जो रही वो तो कमाल की रही, जिसमें पाकिस्तान को एक छोटे स्कोर पर ही, टोटल पर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंग्लिश बॉलर्स ने। लेकिन जब पाकिस्तानी बॉलर्स फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे थे तो एक खिलाड़ी डटा रहा, और उस खिलाड़ी का नाम था बेन स्टोक्स। और उन्होंने इंश्योर किया, ये सुनिश्चित किया कि वो अपनी टीम के लिए इस क्राउन को, इस ताज को जीते हैं। इंग्लैंड के लिए दूसरा मौका जब T20 का सम्राट वो बना है, और यहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स जिन्होंने फाइट बैक की कोशिश की, लेकिन बैट्समैन एक ऐसा टोटल उन्हें नहीं दे पाए जिसे कि पाकिस्तानी बॉलर्स डिफेंड कर पाते। और शाहिन शाह अफरीदी की मैच के दौरान जो उन्हें स्ट्रेन आया, उसके बाद पाकिस्तानी टीम के पास बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं थे, और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट उसे टर्निंग पॉइंट बता रहे। थोड़ी देर पहले हमने पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर शुएब अख्तर से बात की है, उन्होंने इस मुकाबले का किस तरह से असेसमेंट और आकलन किया है, सुनिए। इस मैच का एनालिसिस मैं जानती हूं इस वक्त आप हार्ट ब्रोकन होंगे, समझ सकती हूं, एक फैन के नाते भी, एक फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते भी आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस मैच को लेकर आपके थॉट्स। देखिए, एक चीज तो आप बिल्कुल क्लियर आइंदा ये रूल बना लें कि नेवर कैरी अनफिट प्लेयर। जब अनफिट प्लेयर प्रेशर सिचुएशन में जाता है ना, तो उस पर बॉडी प्रेशर पड़ता है। मुझे लगा था कि दो ओवर बाद शाहीन का घुटना फारग हो चुका था, वो कैच तो इतना कोई उसमें कोई इतना तो नई चीज लगी थी, मुझे लगा कि वही ओवर हमें कॉस्ट कर गया, वही ओवर हमें कॉस्ट कर गया। लेकिन आप ये बात मानेंगी कि 138 को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पाकिस्तान बॉलर्स ने किया। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट हो गया शाहीन शाह अफरीदी वाला, कि वो उसको जब आया था ना, जब अंदर आया था एक बॉल उसको ना साइड में जाके करनी चाहिए थी, एक बॉल जाके साइड पे करता, देखता कि मेरे पास क्या, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, या मैं उसकी जगह होता तो एक नम करने वाला टीका होता है घुटने पे, वो लगा लेता और फिर उसके बाद एक ओवर एक बॉल करता बाहर जाके या साइड पे बॉल करता, और देखता कि शायद कि मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता, ओवर करना ही नहीं चाहिए था। आपको लगता है इस मैच का पाकिस्तानी बॉलर्स को आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने इस मैच में फाइट किया। एक पॉइंट ऐसा था जहां पर इंग्लिश बैट्समैन जो थे वो पूरे तरीके से अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे, इनफैक्ट बेन स्टोक्स जो थे वो एक छोर को थामे हुए थे, और उन्होंने वो जो एक चैंपियन वाला अंदाज है जिस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक फाइट बैक किया, इसमें एक मैच क्रिएट किया लो स्कोरिंग गेम होने के बावजूद। लेकिन आपको लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था इस मुकाबले का वो वही था जिसका जिक्र अभी आपने किया कि शाहीन शाह अफरीदी को जब इंजरी हुई और उन्हें ओवर बीच में छोड़कर जाना पड़ा? जी वही हुआ ना, क्योंकि इफ्तिखार को करने पड़ गए। अगर पूरा ओवर शाहीन ना करता तो शायद वसीम कर लेते पूरा ओवर स्टार्ट, तो वहां पे 10, 12 या 14 रन ना बनते। तो एक फाइनल है जो आखिरी ओवर तक आपने लेके ही जाना है, उसको उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली के शाहीन का बहुत बड़ा मिसहैप हो गया हमारे साथ, और वो ओवर नहीं कर सके, इफ्तिखार को करनी पड़ी बॉलिंग में। और दूसरी बात यह थी कि एक रूल बना लें, शुड नेवर एवर कैरी अनफिट प्लेयर। जब अनफिट प्लेयर कैरी करते हो ना, वो कभी ना कहीं किसी सिचुएशन में जाके फंस जाता है। सैड, इट्स डिसअपॉइंटिंग, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने फाइट बैक किया, ये बात ठीक है। उस फाइट बैक को अंजाम तक पहुंचाना था, वो पहुंच गए थे। वो जब नसीम शाह बॉलिंग कर रहा था, बेन स्टोक फंसा हुआ था, तो पूरा कप्तान को था कि ये मेरे दो ओवर ये इन लोगों ने करने हैं। अब दो ओवर जो थे वो एक ओवर पांच बॉलें इफ्तिखार को करनी पड़गी, तो वहां पे तो इंग्लैंड ही छोड़ेगा ना आपको। तो उन्होंने कैपिटलाइज किया पूरा, और
क्वाइट अनफॉर्चुनेट देती। वैसे फाइनल अगर होता 150 रनों का तो हम शायद कुछ कह सकते थे, लेकिन बहुत अच्छी फाइट बैक की पाकिस्तान ने, बहुत हौसला बंधा हमारा, हौसला बढ़ाया हमारा कि जहां पे ये टूर्नामेंट से बाहर हुए वहां से फाइनल खेल रहे थे और ये फाइनली फाइनल खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेट हो गया आखिर में मात्र। आपको लगता है क्या बाबर आजम के पास कोई और ऑप्शन था इफ्तिकार के अलावा, जो एज अ कैप्टन आप एक्सरसाइज करते, या आपको लगता था कि उनके पास चॉइस नहीं बची थी? आप भी दोनों लेफ्ट हैंडर थे ना, नवाज को तो नहीं लगा सकते थे ना, दोनों लेफ्ट हैंडर थे, लेकिन वो पूरा बॉलर था, शायद उससे शायद उससे कुछ हो सकता हो। लेकिन आदित्य, जब आपका मेन बॉलर अनफिट हो जाए ना, तो फिर बड़ा मसला होता है। आखिरी ओवर पता है ना आपको, हम फंसे हुए हैं, अब इसने करना है। जब मेन क्रूशियल सिचुएशन में अगर शोएब अख्तर अनफिट हो जाए, जैसे बैंगलोर टेस्ट मैच में हो गया था, तो सौरभ गांगुली ने कहा अब हम मैच जीत गए, अब ये बाहर चला गया, अब हम मैच जीत गए। सो वो तो टेस्ट मैच था, लेकिन वर्ल्ड कप है। देखिए, आप सारा ब्लेम तो शाइन पे नहीं डाल सकते, और कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट था कि जहां पे शाइन का ओवर हमें हम वर्ल्ड कप लूज कर गए वहां पे। शोएब भाई, आप मैं आपसे समझना चाह रही हूँ एक्चुअली। आपने कहा कि एक अनफिट प्लेयर को ना लेके जाए, शाहीन शाह अफरीदी जो थे उससे पहले उनकी फिटनेस के साथ इश्यूज, कम से कम जितने मैचेस मैंने देखे मुझे वो इश्यूज नहीं दिखे। आप तो फॉर्मर पेसर हैं, तो आप और आप उनको नहीं, इश्यूज थे, वो 60% फिट था, 60-70% फिट था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा वो 80% फिट है, 70% फिट है। देखें, प्रेशर गेम पड़ती है, देखते जब प्रेशर पड़ता है ना किसी मर्द या औरत पे, तब उसका करेक्टर बाहर आता है, जब उसके जिस्म का करेक्टर बाहर आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हो गया हमारे लिए, और वो कभी फुली फिट नहीं था। लेकिन अब सारा ब्लेम शाहीन शाह अफरीदी पे नहीं डाल सकते हम। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसने बॉलिंग अच्छी की, पिछले 2-3 मैचेस में आउट किए, लेकिन ये वर्ल्ड कप फाइनल है ना, टांग टूटती है टूट जाए, जो होता हो जाए, बस भागो भागो करो कुछ करो। लेकिन यार ये हमारे नसीब नहीं था, T20 के वर्ल्ड चैंपियन, व्हाइट बॉल क्रिकेट के किंग इंग्लैंड, पूरा 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत गया, T20 का भी जीत गया, किंग ऑफ व्हाइट क्रिकेट। और पाकिस्तानी साइड का ये पूरा असेसमेंट इस T20 वर्ल्ड कप पर और इंडियन टीम को लेकर भी शोएब अख्तर का क्या एडवाइस है, ये पूरा स्पेशल संवाद आप देख पाएंगे 9:00 जी न्यूज पर। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, जल्दी से कमेंट यहाँ पर जुल्कर नैन हैदर आपका, और उसके बाद हुसैन वारिद और अरसलान खोखर, एक एक कॉमेंट। पहले जुल्कर नैन हैदर, देखिए जी, जो भी हुआ बस अच्छा हुआ, और नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह मैं दोबारा खेलूं, और हम जितने भी लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, हमारा कल्चर एक है, हमारा नेबरहुड है, और हम एक दोनों का कल्चर सेम है, दोनों को लोगों की जो थिंकिंग है वो सेम है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, वो शोएब भाई ने जैसे कहा कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं जो एक दूसरे की आवाम को आपस में लड़वाते हैं और आपस में मज़हबी और दूसरी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें साइड पर रख के हमें क्रिकेट को अलहदा रखना चाहिए, मज़हब को अलहदा रखना चाहिए। ठीक है, ये इरफान जो खोखर साहब हैं, इन्होंने कल हमारी डिस्कशन नहीं सुनी, तो ये मेरी बातों से 100% एग्री करते हैं। तो मज़हब को बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए, क्रिकेट को साइड पे रखना चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए, क्रिकेट को साइड पे रखना चाहिए। और मैं हमेशा आपको, मैंने जब कल प्रोग्राम ख़त्म होने वाला था तो मैंने आपको बताया था, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं इंसानियत पर बिलीव रखता हूँ। शोएब भाई ने भी यही कहा कि इंसानियत सबसे पहले है, मज़हब आपका बाद में आता है। सबसे पहले अगर आप इंसान अच्छे नहीं है तो आप अच्छे मुसलमान नहीं है, आप अच्छे हिंदू नहीं है, आप अच्छे क्रिश्चियन नहीं है, सबसे पहले आपको इंसानियत है और इंसान आपको अच्छा होना चाहिए। जिधर आपको इंसानियत के लिए आगे होना चाहिए आपको होना चाहिए, जिधर आपको आपस में इंसानियत को ख़त्म करके दूसरी चीज़ों में आना चाहिए तो आपको बैकफुट पर आना चाहिए। ठीक है, और मैं हमेशा आपको एंड ऑफ प्रोग्राम कल मैंने कहा था कि मैं हमेशा, अल्लाह का शुक्र है मेरे हर तरफ कॉन्टैक्ट्स हैं, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, ये भाई भी जानते हैं मुझे और सारे जानते हैं मुझे, पूरी दुनिया में मैं जाके लीग खेलता हूँ और मैं हमेशा एक अच्छा ब्रिज बनाने की कोशिश करता हूँ।